की आज पापा की सारे माता की आज मैं दादा साहब को जाना चाहिए आप लोग के ऊपर जाके बंदे 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 मारो माता की मारो माता की ये है बांस बरेली। आज 13 अगस्त 2022 है और आज शहर में कई जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बरेली की तिरंगा यात्रा देखते ही बन रही है। आज बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं तो देखिए। आज डीडीपुरम चौराहे पे, क्योंकि वहाँ डीडीपुरम क्षेत्र में बहुत चौड़ी चौड़ी रोड हैं, वहाँ पे सभी एनसीसी कैडेट्स हैं, अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति और सभी जनरल पब्लिक जो है एकत्र हो रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। एनसीसी कैडेट्स हैं और सभी लोगों में जोश भरा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उसके 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पूरे देश तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। तो हर जगह अपनी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और काफ़ी चौड़ी रोड है यहाँ पर तिरंगा यात्रा के लिए। सभी के हाथ में देश की आत्मान शान एकता का प्रतीक तिरंगा है और ये तिरंगा यात्रा में सभी राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, सभी लोग इसमें शामिल हैं। राजनीतिक दल, गणमान्य व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इसमें शामिल हैं, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा कोई भी हो, सबसे ऊपर हमारा तिरंगा होता है, देश का झंडा होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी उसी झंडे के अंतर्गत होते हैं और पुलिस मुस्तैदी से अपने साथ दे रही है। पुलिस और प्रशासन, नगर निगम और व्यवस्था की गई है। तिरंगा और गुलाब बिखेरे जा रहे हैं। तो ये डीडीपुरम का मंजर है, बहुत खूबसूरत। सभी लोगों में जोश और खरोश के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और डीडीपुरम से ये आगे जो रोड है ये जाती है, चौड़ी रोड है, यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पे कोई भी विशाल प्रोग्राम होता है तो और ये देश के हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं वो तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। सभी बच्चे हमें तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं और यहाँ पर जो है स्कूली बच्चे, ग्रामीण अंचलों के स्कूली बच्चे हैं, शामिल हैं सभी तिरंगा यात्रा में और सभी बच्चे जोश खरोश के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। ये साउ गोपीनाथ, DIC, GDIC कहीं के भी हो बच्चे हो, ये साउ गोपीनाथ के बच्चे नजर आ रहे हैं और कुछ बच्चे बेचारे थक गए तिरंगा यात्रा में, बहुत लंबे, इन्हें 2-3 किलोमीटर पैदल चले आ रहे हैं। तो उन्होंने यात्रा की बहुत लंबी, तो पानी भी पी रहे हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था है, हाथ में तिरंगा है और बड़ा जोश के साथ तिरंगा फहरा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज शनिवार है,